टाइम लिमिट्स लिमिटेड GTL जो भारत की एक बड़ी रक्षा उत्पादन कंपनी है। हाल ही में इस कंपनी ने नई एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जिसे अमोघा 3 नाम दिया है, इसका परीक्षण किया जो कि सफल रहा। चलिए क्या है इस अमोघा 3 मिसाइल की खास बातें, उन्हीं को आपके साथ शेयर करते हैं। पहले आपको बता दें कि इस मिसाइल का जो वजन है वो 18 किलोग्राम का है। इस वजह से भी आप समझ सकते हैं कि इस मिसाइल को आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकता है और कहीं से भी दुश्मन के अड्डों और टैंक को निशाना बनाया जा सकता है। इस मिसाइल की रेंज की बात करें तो 200 मीटर से 2500 मीटर तक की है। अमोघा 3 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल बेहद ही अत्याधुनिक और सटीक मारक क्षमता वाली मिसाइल है आज के समय की। इस समय की ये जो मिसाइल है उड़ते समय आवाज और धुआं भी बहुत कम करती है, साथ ही इसे जब दागा जाता है, छोड़ा जाता है, तो उस समय भी ये बहुत कम आवाज करती है। इसे भविष्य में HAL रुद्र हेलीकॉप्टर और प्रचंड अटैक हेलीकॉप्टर पर तैनात करने की योजना बनाई गई है। इसमें डुअल मोड इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर लगा है, जिसका मतलब ये है कि ये अंधेरे में भी टारगेट को पहचान सकती है और उसे पूरी तरह से नष्ट कर सकती है। इसलिए रात हो या दिन इसके लिए एक बराबर है। यह मिसाइल पूरी तरह से देश में ही बनी है, एक तरह से आप कह सकते हैं कि पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक पर बनाई गई है। फिलहाल कंपनी अभी इसके कई तरह के ट्रायल्स लेगी। ये दुश्मन की तरफ इंफ्रारेड इमेजिंग और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टेक्निक की मदद से बढ़ती है और इस मिसाइल पर 8 छोटे पंख दिए गए हैं जो उड़ान के समय इसे नियंत्रित और तेजी देने का काम भी करते हैं। इसके साथ ही इस मिसाइल पर एक बार टारगेट फिक्स होने पर आप कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये मिसाइल अपना काम कर देगी। इसलिए इस मिसाइल को दागो और भूल जाओ वाली टेक्निक पर आधारित मिसाइल भी कहा गया है। थी इस मिसाइल से जुड़ी कुछ खास बातें, चलिए अब आपको बताते हैं कि भारत के पास कितनी तरह की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलें हैं, उनके नाम हम आपको यहाँ बताएंगे। भारत के पास स्वीवर स्नाइपर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, जिसे भारत, रूस, चाइना, सर्बिया और दक्षिण कोरिया की सेनाएं भी इस्तेमाल करती हैं। इसके अलावा भारत के पास स्प्रिंगन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, जिसे कॉर्नेट भी कहते हैं, ये मिसाइल भी है और ये मैन पोर्टेबल है, मतलब कि कंधे से दागी जा सकने वाली मिसाइल है। इसके साथ ही भारत के पास अटाका स्पाइरल 2 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। इसके अलावा कनकर्स स्पैड्रिल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल भी भारत के पास मौजूद है, जिसे रूस ने बनाया है। इसके अलावा ध्रुवास्त्र हेलिना नाग, ये भी मिसाइलें भारत के पास है, जिसमें से ध्रुवास्त्र मिसाइल हर मौसम में हमला करने की क्षमता रखती है, साथ ही इसे दिन या रात में भी दाग सकते हैं। भारत में बने ध्रुवास्त्र एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को हेलिना भी कहा गया है। इसके साथ ही मिलन 2T, जिसे फ्रांस और भारत ने मिलकर बनाया है, इसके 5 वेरियंट्स हैं, मिलन 1, मिलन 2, मिलन 2T, मिलन 3 और मिलन ER। इसके साथ ही स्पाइक LR2, जिसे इसराइल ने बनाया है, ये भी मिसाइल भारत के पास है। इसके अलावा शर्टर्म स्पाइरल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, जिसे हेलीकॉप्टर और आर्म व्हीकल टैंक के ऊपर तैनात करके फायर किया जा सकता है, ये भी भारत के पास मौजूद है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, और खबर के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल एंड वर्ल्ड और हमारे ही चैनल सोच से। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ।